होगा नहीं, तो इससे कितना टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 220 मीटर। मतलब आदमी जो आदमी का सिर्फ चाल मालूम है, उसकी दूरी तो आदमी को पार करने में कितना, आदमी मान लीजिए ट्रेन के रिस्पेक्ट में एक खंभा है, तो इस अनुसार की जो ट्रेन की लंबाई होगी वही टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि आदमी तो कोई लंबा चौड़ा है नहीं कि 10 किलोमीटर लंबा आदमी, तो उसको ऐसा तो नहीं। तो आदमी लाई के एक पोल हो जाएगा, तो जिसकी तो इसमें जो डिस्टेंस हम मानेंगे वो ट्रेन की लंबाई जो है वही टोटल डिस्टेंस होगी, और टोटल चाल ट्रेन की यहाँ पर हम एक्स मान लेंगे, और आदमी का तो 6 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और दोनों क्रॉस कर रहे हैं कितने देर में, 5 सेकेंड में। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 220 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है मित्र। और टोटल जो स्पीड है वो कितना हो जाएगा, एक्स मीटर पर सेकेंड ट्रेन की है और 6 मीटर पर सेकेंड आदमी का है, दोनों को जोड़ करके कुल दूरी में कुल 4 से भाग देंगे, तो क्या ये 5 सेकेंड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आप हमको ये बताइए 5 सेकेंड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आप बोलिए हाँ आना चाहिए 5 सेकेंड, क्योंकि इसमें जो 5 सेकेंड का मतलब ही है, ये जो 5 सेकेंड पार कर जाती है, 5 सेकेंड में पार कर जाती है, इस सेंटेंस को पकड़ो, 5 सेकेंड में पार कर जाती है का अर्थ हुआ कि दोनों ही गाड़ी एक दूसरे को पार करती है, मतलब ये भी चल रही है और ये भी चल, कहना यही चाह रहा है कि एक भी रुकी भी नहीं है, दोनों ही गाड़ी चल रही है, यहाँ आदमी भी चल रहा है ट्रेन भी चल रहा है, और तब 5 सेकेंड पार करता है, इसका मतलब दोनों ही एक दूसरे को 5 सेकेंड में पार करता है, मतलब क्रॉस करने में 5 सेकंड का टाइम लगता है दोनों को। तो ये क्या हो गया, कुल दूरी बटे कुल 4 बराबर टोटल समय। अब यहाँ से आप निकाल दीजिए एक्स का मान, देखिए ये क्या हो गया, इस सवाल में समझने लायक आज के टॉपिक में समझने वाला सवाल यही था कि 5 सेकंड में पार कर जाती है, इसका मतलब दोनों ही एक दूसरे को पार कर जाती है, इस बात को ध्यान रखना है, दोनों का ही स्पीड उसमें जुटा हुआ है। तो ये हो गया कि कंपोनेंट और इंडिविजुअल लगाएंगे, ये क्या हो गया 220 इक्वल टू 5x प्लस 30, ये देखिए इक्वल टू 5x होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 190 इक्वल टू 5x, x का मान निकाल देंगे कितना हो जाएगा 190/5 हो जाएगा 58 8 हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा x वाला कितना निकल गया मित्र 38 मीटर पर सेकेंड, यही हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अगर यदि ये पूछ रहा है ना तो ट्रेन की चाल क्या होगी, तो है ना ट्रेन की चाल पूछ रही थी, तो ट्रेन का चाल कितना निकल गया 38 मीटर पर सेकेंड, 38 मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं मित्र, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। दो ट्रेनों की लंबाई दी हुई है 127 मीटर एवं 98 मीटर, है ना, दो ट्रेन की लंबाई है, एक है 127 मीटर और एक 98 मीटर है, और उनकी चाल क्रमशः 35 किलोमीटर पर घंटा और 55 किलोमीटर पर प्रति घंटा है, और वे एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगे, बस सवाल आज बस पार करने का ही है मित्र, कितने समय में पार करेंगे, बस पार ही करना है, पार कर गए तो सारा कुछ हो गया। आइए देखते हैं क्या है सॉल्यूशन, जिंदगी में भी तो है मित्र कि पार ही करना है, अगर पार हो गए तो बस हो गया, और पार नहीं हुए तो फंस गए। दो ट्रेन की लंबाई 127 मीटर और 98 मीटर, ठीक है, ये हो गया 127 मीटर और ये हो गया 98 मीटर, 98 मीटर, ठीक है ना, और उनकी चाल क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटा और कितना है 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, और वे एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, तो विपरीत हम जान ही रहते, विपरीत इसलिए विपरीत बना दिए, दिशा में चल रहे हैं, कितने समय में वे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ये तो बच्चा टाइप सवाल है। आप देख लीजिए ये 127 मीटर लंबी ये गाड़ी है और ये 98 मीटर लंबी है, और दोनों का चाल भी आपको मालूम है, तो कह रहा है कितने देर में पार करेगी, जैसे ही पार करने का सवाल आएगा हमको क्या समझना है कि दोनों गाड़ी की लंबाई पहले जुटेगी, तो दोनों गाड़ी की लंबाई जोड़ लेंगे, फिर दोनों का स्पीड भी जुटेगा, क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे से बड़ा तीव्र गति से आ रहा है, तो दोनों का स्पीड जो है प्लस हो जाएगा, ई अपने चाल से आ रहा है और ई भी अपने चाल से जा रहा है, तो दोनों का स्पीड क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो दोनों का चाल जोड़ देंगे, दोनों की लंबाई जोड़ देंगे, दोनों की लंबाई जुटेगी वो दूरी हो जाएगी, दोनों का चाल जुटेगा चाल मिल जाएगा, और कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी, बस फिर समय निकाल देंगे, बस इतना सा तो काम है, लेकिन ध्यान देना है यहाँ है मीटर में, यहाँ है किलोमीटर में, यहाँ है मीटर में, यहाँ है किलोमीटर में, इसको बदल लीजिए पहले, तो पहले दोनों को ऐड कर लेते हैं, देखिए ये हो गया 127 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस आप निकाल लीजिए पहले, तो टोटल डिस्टेंस वही होगी जो गाड़ी की लंबाई होगी, ये कितना हो गया 127 प्लस 98
225 हो गया, 8 7 मतलब हासिल 1, ठीक है 225 इतना मीटर हो गया। और इधर स्पीड कितनी है, टोटल स्पीड देखिए ये कितना हो गया 35 और प्लस 55 ये कितना हो गया, ये हो गया 19, सब बल्ब ऑफ कर दो, ये कितना हो जाएगा 90 इतना किलोमीटर पर आवर, ये जो निकला किलोमीटर पर आवर में इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं मित्र, इसको क्या करना होगा 5/18 से गुना, 18 5 90 5 25 ये क्या हो गया 525 मीटर पर सेकंड, है ना, ये निकल गया चार स्पीड निकल गया और ये डिस्टेंस। अब हमको क्या करना है, टाइम निकालना है, दोनों कितना समय पार करेगी, तो निकालिए टाइम बराबर कितना हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय, तो 225 बटे 25 हो गया, ये हो जाएगा 9, ये कितना हो गया, यहाँ जो 225 है ये मीटर हो जाएगी और ये जो है मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, तो मीटर मीटर भी कैंसिल समझ लीजिए, ये क्या हो गया 9 सेकेंड। तो क्या था, एक दूसरे कितने समय में पार कर जाएगी, तो ये जो दोनों ट्रेनें हैं ये दूसरे एक दूसरे को 9 सेकेंड में जो है क्रॉस कर जाएगी, यही हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो सवाल में कोई दम नहीं था, तो फिर बने रहिए, अगर आपको समझ में आ रही है हम जो बता रहे हैं आपको दिमाग में समझ में आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आए दिन आपको लाभ मिलता रहेगा। और जस्ट हम एक दो दिन में जो है आपको सेलरिज्म की भी नए फिर नए रूप से सेलरिज्म का जो लेवल हाई करेंगे उसका भी क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। कुल मिलाकर यह चैनल आपके कंपटीशन के एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभदायक है फ्रेंड, ठीक है, धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वृद्धजनों की सेवा कीजिए, धन्यवाद।